नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस आर न्यूज गुजरात। अहमदाबाद शहर के आईपीएस पुलिस अफसर डीसीपी जॉन सात के प्रेमसुख डेलू जो गुनहगारों से बात भिड़ने में अव्वल नंबर है, उनकी अगुवाई में आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट डिपार्टमेंट के काफिले के साथ फतेहवाड़ी इलाके में दाग जमाने वाले सुल्तान गैंग के खजांची बकू खान उर्फ बक सैयद के गैर कानूनी तरीके से बनाए गए दो मंजिला इमारत को आज भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ जाकर बुलडोजर से तोड़ने की कामगिरी चालू कर दिए गए। समग्र ऑपरेशन की कामगिरी पर खुद डीसीपी जॉन सात प्रेमसुख डेलू नज़र लगाए रखे हैं। ऐसा न्यूज गुजरात के लिए साबन अली आर हड़किया की रिपोर्ट। बकू खान है वो गुस्सी टोक का मुख्य आरोपी है। सुल्तान खान गैंग के खिलाफ जो गुस्सी टोक दाखिल किया था उसका ये मुख्य आरोपी है और ये खजांचे की तरह काम करता था। और जिस मकान को हम तोड़ रहे हैं उसी मकान के अंदर बैठ के ये सभी गतिविधियां करते थे। इन्होंने जो सरकारी जमीन थी बीच में कॉमन प्लॉट था, रोड थी, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करके ये मकान बना रखा था और एएमसी से भी किसी प्रकार की परवानगी इन्होंने वो नहीं ली थी। और जितनी भी इनकी गैरकायदेसर गतिविधियाँ होती थी सब यहीं से संचालित होती थी, तो उसके आधार पर हमने एएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके और इसको है वो आज हम डिमोलिशन। सर, बैकग्राउंड क्या था ये बकू खान का और अभी कहाँ पर है? बकू खान और गुस्सी टोक आरोपी ये यहाँ पर बहुत बड़ा है वो घूमा किया और कंपनी के ये काम करते थे। सुल्तान खान और ये सब एक ही परिवार के लोग हैं और पूरे जुलापुरा और फतेहवाड़ी का जो एरिया है उसके अंदर ये लोग हैं वो बदमाशी करते थे और विभिन्न प्रकार के लोगों से जो बिजनेस करते हैं उनसे कंपनी की मांगनी करते थे और किसी भी आदमी को उठा लेना, उनके साथ मारपीट करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, ये सभी इन लोगों के वो काम थे। और जो जुए हैं, सट्टे हैं, ये सब काम भी ये लोग करते थे। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी एसआर न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।